एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास फोर के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास फोर में आज हम लोग इंग्लिश का आपका दूसरा लेसन करने वाले हैं। जिनके पास बुक है वो लोग बुक लेकर बैठ जाइए, सामने हम लोग पढ़ने वाले हैं द केपेबल मैन। द केपेबल मैन का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। ठीक है, देखते हैं कि इस कहानी में ये कहानी लग रहा है और इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी एक बार की बात है, एक राजा था। ही वॉज वेरी काइंड मैन एंड ही लुकड आफ्टर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, यानी कि वो बड़ा ही दयालु व्यक्ति था जो राजा था, और वो हमेशा अपने लोगों के हितों की देखभाल किया करता था। ही सॉ ऑल द पीपल इन हिज किंगडम वेयर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उसने देखा कि उसके राज्य में सारे के सारे लोग जो हैं बड़े ही खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं। द किंग हैड अ वेरी एबल प्राइम मिनिस्टर, राजा का जो प्रधानमंत्री था वो बड़ा ही योग्य था। ही ऑलवेज कंसल्टेड द प्राइम मिनिस्टर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और राजा को जब भी अपने प्रशासनिक कुछ ऐसे मुद्दे होते थे या बातें होती थी तो राजा जो है हमेशा क्या करता था, अपने प्रधानमंत्री की सलाह लिया करता था। एज ईयर्स वेंट बाई द प्राइम मिनिस्टर बिकेम ओल्ड एंड द किंग बिगेन टू सर्च फॉर अनदर वन, लेकिन समय बीतता गया, कुछ साल बीतने के बाद क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री जो था वो बूढ़ा हो चला और अब राजा को जो है किसी नए प्रधानमंत्री की तलाश थी। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च द किंग एट लास्ट इंटरेस्टेड द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर विद द टास्क ऑफ फाइंडिंग अ कैपेबल मैन टू टेक हिज प्लेस। काफ़ी लंबी खोज करने के बाद अंततः राजा क्या किया, उसी प्राइम मिनिस्टर के पास आया जो बूढ़ा हो गया था और बोला कि भाई आप ही हमको खोज कर दीजिए कोई नया अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो कि आपका जगह ले सके। द प्राइम मिनिस्टर इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन एंड कॉल्ड ए मीटिंग फॉर ऑल पंडित्स इन द किंगडम। अब उस प्रधानमंत्री ने क्या किया कि पूरे राज्य में घोषणा करवाई और घोषणा करवा के ये कहा कि जितने भी राज्य में पंडित है सब के सब आकर मिले हमसे, मतलब बैठक में शामिल हो, एक मीटिंग होगा उसमें शामिल हो। ही देन सेलेक्टेड द फोर मोस्ट लर्न पंडित्स, और उस बैठक में से प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि चार मुख्य जो आपके सबसे ज़्यादा ज्ञानी पंडित थे उनका चुनाव किया। द प्राइम मिनिस्टर वॉन्टेड टू चूज द बेस्ट ऑफ द फोर पंडित्स एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर थे राजा के वो चुनना चाहते थे इन्हीं जो चारों को सेलेक्ट किए थे ना, उन्हीं चारों में से किसी एक को चाहते थे कि नया वो प्रधानमंत्री बने, जो सबसे बेस्ट हो वो बने। ही देयरफॉर डिसाइडेड टू टेस्ट देम, इसीलिए प्रधानमंत्री ने सोचा कि चलो भाई इनकी परीक्षा लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ईच ऑफ फोर पंडित्स टू सिट इन अ सेपरेट रूम, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो है चारों पंडितों को कहा कि चारों अलग अलग कमरे में बैठे। ईच रूम हैड टू डोर्स, हर एक कमरे में दो दो दरवाजे थे। द प्राइम मिनिस्टर देन वेंट टू ईच पंडित एंड सेड, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है हर एक पंडित के पास गए और उन्होंने कहा कि दिस रूम हैज़ टू डोर्स, यानी कि इस कमरे में दो दरवाजे हैं। I will close both the doors, यानी कि मैं दोनों के दोनों दरवाज़ों को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, एंड लॉक देम, और उनमें चाबी मार दूंगा, मतलब ताला लगा दूंगा। बट आई लॉक वन डोर फ्रॉम इनसाइड एंड द अदर फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन क्या करूंगा कि एक दरवाजे में मैं अंदर से ताला मारूंगा और दूसरे में मैं बाहर से ताला मारूंगा। विदाउट यूजिंग ए की यू शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट, यानी कि बिना चाबी का इस्तेमाल किए आपको क्या करना है कि दरवाजा को अंदर से खोलना है और बाहर आना है। ठीक है, यानी कि चारों को अलग अलग कमरा में बैठा दिया गया और क्या किया गया, चारों कमरा में दो दरवाजा था तो एक दरवाजा को अंदर से बंद कर दिए और एक दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया गया और प्रधानमंत्री बोले कि आप लोगों को बाहर निकलना है बिना की का इस्तेमाल किए, बिना चाबी का इस्तेमाल किए। द पंडित हु सक्सीड इन कमिंग आउट फर्स्ट विल बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, और जो पंडित सबसे पहले बाहर निकल आएगा वही जो है नया प्रधानमंत्री बनेगा। आउट ऑफ द फोर थ्री पंडित्स वेयर क्वाइट कन्फ्यूज, यानी कि चार पंडितों में से तीन पंडित जो थे वे बड़े ही असमंजस में पड़ गए। हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द की, सोचने लगे कि भाई बिना चाबी का ये ताला खुलेगा कैसे, इट कैन नॉट बी ओपन, ये तो खुल ही नहीं सकता है। आई विल नॉट बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट, यानी कि मैं जो हूँ दरवाज़ा खुलने के मैं काबिल नहीं हो पाऊँगा, सक्सेस नहीं हो पाऊँगा और बाहर नहीं जा पाऊँगा। थिंकिंग सो द थ्री पंडित्स स्पेंट द होल नाइट स्टडिंग देयर बुक्स इन order to find solution of the problem, यानी कि ऐसा सोचकर तीनों के तीनों पंडित क्या किए कि अपना पूरा का पूरा रात अपना सारा ग्रंथ सारा पोथी पढ़ने में निकाल दिए कि भाई इस समस्या का समाधान
क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम फाउंड अ सोल्यूशन, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से किसी को भी कोई सोल्यूशन, कोई भी समाधान नहीं मिला। द फोर्थ पंडित हाउएवर हैड अ डीप सेंस ऑफ रीजनिंग, लेकिन जो चौथा पंडित था वो तर्क विद्या में बड़ा ही निपुण था। ही हैड अ रेशनल एंड एनालिटिकल माइंड, उसका जो दिमाग था ना वो बड़ा ही तर्क के अनुसार चलता था, मतलब होता ना बहुत ही वो स्टैटिकली आपको उसका दिमाग चलता था, उसका सोच चलता था। ही पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने जो है समस्या के बारे में काफ़ी लंबे समय तक उसने सोचा। देर इज़ नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की, उसने सोचा कि भाई बिना चाबी का तो ताला खोलने का कोई तरीका नहीं है। देर फॉर आई थिंक देर इज सम ट्रिक इन द लॉक इटसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि ताले में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ज़रूर है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ताले में ही गड़बड़ है। लेट मी चेक द लैच एंड लॉक, यानी कि देखते हैं पहले तो हम ये ताला को पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर ये ताला है क्या। ही कहाँ थे हम लोग, हाँ ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। थिंकिंग सो द फोर्थ पंडित वेंट टू द डोर, ऐसा सोचकर वो चौथा पंडित जो है वो दरवाजे के पास पहुंचा। ही एग्जामिन द लॉक एंड लैच फॉर अ मिनट, उसने जो है कुछ समय के लिए ताले को और उसमें जो कुंडी लगी हुई थी उसको कुछ समय के लिए ध्यानपूर्वक देखा। सडनली He realized that the door was on the latch. तभी जो है उसको इस बात का अनुभूति हुआ कि भाई दरवाजा तो केवल कुंडी पे ही है। The door was closed but not latched. यानी कि देखिए क्या किया गया था कि ताला मार दिया गया था लेकिन कुंडी लगाया ही नहीं गया था। जैसे कि आपके घर में ऐसे दरवाजा है, ठीक है, तो दरवाजे में आप क्या करते हो, पहले छिटकली लगाते हो ना, कुंडी लगाते हो, उसके बाद ताला मारते हो। तो क्या किया गया था कि छिटकली जो है वो लगाया ही नहीं गया था, जो कुंडी होते वो नहीं लगाया गया था, ऐसे ही केवल ताला मार दिया गया था। समझ में आई बात, तो वैसे किया गया था। तो द डोर वॉज क्लोज्ड बट नॉट, यानी कि दरवाजा बंद था लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी हुई थी। द लॉक, यानी कि जो ताला था वो ऐसे ही केवल लटक रहा था वो कुंडी में, नीचे जो छिटकली में लगाने वाला, छिटकली को जिसमें हम लोग बंद करके लगाते हैं ना, उसमें केवल ताला लटक रहा था और वो छिटकली के बिना ही जो है ताला लॉक किया गया था। द इंटेलिजेंट पंडित क्विकली ओपन द डोर एंड बिकेम आउट ऑफ द रूम, तो जो वो बुद्धिमान पंडित था वो क्या किया, तुरंत से छिटकली खोला और दरवाजा के बाहर निकल गया। ही देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो है वो आपको प्रधानमंत्री के आगे अपना हाजिरी लगाया। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हार्टली वेलकम द पंडित एंड ऑनर्ड हिम, और जो बूढ़ा प्रधानमंत्री था उसने जो है पूरे हृदय के साथ स्वागत किया उस पंडित का और उसको सम्मान भी दिया। द किंग अपॉइंटेड द पंडित एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, और राजा ने उस पंडित को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यहाँ पर आपकी कहानी खत्म होती है। आप लोगों को इस लेसन को कम से कम 5 बार रीडिंग डालना है, 5 बार। जिन लोग पास बुक है वो लोग बुक से डालेंगे, नहीं है वो लोग वीडियो को पॉज करके रीडिंग डालेंगे। कम से कम 5 बार रीडिंग डालना है। इसके एक्सरसाइज करवाते हैं, आप लोग कर लीजिए। देखिए बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हैं। द डैश हैड अ वेरी एबल प्राइम मिनिस्टर, तो किंग भर लीजिएगा फर्स्ट वाले में, क्या भरिएगा, किंग, KING किंग। ईच रूम हैड टू डोर्स, DOORS, डोर्स भर लीजिएगा दूसरे वाले में। तीसरा दिया हुआ है हाउ कैन द लॉक बी ओपेंड विदाउट द की, इसमें आप भर लीजिए की, KEY की। ही डैश ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही पॉन्डर्ड, PONDERED, पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड भर लीजिएगा, PONDERED। उसके बाद भरिए ही देन डैश हिमसेल्फ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें आप भर लीजिएगा प्रेजेंटेड, PRESENTED, presented himself. अब है आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन। ही देन सेलेक्टेड द डैश मोस्ट लर्न्ड पंडित, तो इसमें आप 4 के आगे टिक मार लीजिए, 4 पंडित। इसके बाद दिस रूम हैड टू डोर्स, 2 के आगे टिक मार लीजिए। द डैश पंडित वेंट टू द डोर, द फोर्थ पंडित, 4th के आगे टिक मार लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको लेसन को देखकर आपको फिल करना है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करिएगा विदाउट यूजिंग ए की यू। तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप खोजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कहाँ पर है ये देखिए, तो ये वाला दिख रहा है आपको सेकंड वाला लाइन, इसमें विदाउट यूजिंग ए की यू, तो इसका पूरा लाइन आपको भरना है, शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट, ये पूरा का पूरा लाइन आप लोगों को भरना है, ठीक है। तो ऐसे करके जिन लोगों के पास बुक है सारा का सारा भरेंगे। यहाँ पर जो है उसके आगे आप चलिएगा तो अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है, तो अपोजिट वर्ड बता रही हूँ लिखिए, और जो कुछ आप लोग खुद से भी कीजिएगा, मैं हिंट दे रही हूँ। हॉट का आप लिख लीजिएगा कोल्ड, COLD, लॉस का लिख लीजिएगा गेन, GAIN, सुपीरियर का लिख लीजिएगा इन्फीरियर, INFERIOR,
पायस, पायस का लिख लीजिएगा आप। पायस मतलब होता है पवित्र, ठीक है, तो इसका अपवित्र लिख सकते हो आप लोग। अनपायस भी होता है शायद इसका, या इम्पायस। पायस का ना आप अभी छोड़ दीजिएगा, पायस हम क्लियर करके आप लोग को बता देंगे कि क्या होता है, या फिर हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलिए टॉप का लिख लीजिए बॉटम, BOTTOM बॉटम। ऑनर का लिख लीजिए डिस ऑनर, ठीक है, डिस ऑनर अपमान लिख सकते हो आप। इंटेलिजेंट का लिख सकते हो आप फूल, FOOL। होप का लिख सकते हो, होप का आशा होता है ना, तो इसका आप निराशा लिख सकते हो। होपलेसनेस तो होता है लेकिन होपलेसनेस नहीं लिखिएगा, होप का आप लिख लीजिएगा। अच्छा ये होप का, और ये जो आपका क्या है पायस का, इसका हम ग्रुप में डाल देते हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि क्या इसका सही मीनिंग होगा, तो होप और पायस हम तुरंत इस वीडियो के बाद डाल देंगे। चलिए अब आपको डू डस डिड से भरना है, तो डू डस डिड करवा देते हैं आप लोगों को। डैस यू लाइक स्विमिंग, तो इसमें आप डू भर लीजिए। दे इंजॉयड द पिकनिक यस्टरडे, इसमें आप डिड भर लीजिए, DID डिड। डैस योर ट्रेन लीव ऑन टाइम, तो यहाँ पर भर लीजिए डज, डज योर टीम ट्रेन। योर सिस्टर ड्राइव से बाइसिकल, डज, इसमें भी आप डज भर लीजिए। डैस यू लाइक मी, तो इसमें आप डू भर लीजिए, DO DO। चलिए इसको आपको निगेटिव में बदलना है आगे वाले सेंटेंस को। जैसे दिया हुआ है आई किल्ड ए स्नैक, तो आई डिड नॉट किल्ड ए स्नैक, क्या भर लीजिएगा, आई डिड नॉट किल, किल भर किल लिखिएगा, किल्ड नहीं लिखिएगा, आई डिड नॉट किल ए स्नैक। दिस सिप सैंक, दिस सिप डिड नॉट सिंक, SINK, दिस सिप डिड नॉट SINK सिंक। ही जम्प्ड इन टू द वेल, ही डिड नॉट जम्प, जे सिर्फ जम्प लिखिएगा, JUMP, जम्प इन टू द वेल। आई ब्रोक द प्लेट, आई डिड नॉट ब्रेक द प्लेट, BREAK, ब्रेक द प्लेट। द सन साइंस, द सन डज नॉट, SINE साइन, द सन डज नॉट साइन। इतना एक्सरसाइज आप लोगों को करना है अपना होमवर्क में, और ये रीडिंग डालना है, यही आपका होमवर्क है। बुक है वो लोग बुक से करेंगे, नहीं है वो लोग क्वेश्चन को कॉपी करके करेंगे। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।